हेलो बच्चों, जो कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपना सिलेबस शेयर किए है, और मैक्सिमम स्कूल्स जो हैं, कई स्कूल्स तो नहीं करवा रहे हैं चैप्टर वन, बट दो तीन स्कूल्स हैं जिन्होंने चैप्टर वन भी करवाया. सो डोंट वरी, आई डू दैट चैप्टर. हम करवा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड. हाँ, लिविंग वर्ल्ड कई स्कूल्स में है, बच्चे कईयों में नहीं है, कई स्कूल्स में रिलीज हो चुका है. वैसे तो दैट चैप्टर इज डिलीटेड, बट आई एम नॉट श्योर की व्हाई योर टीचर्स taking up that chapter. And I've got your Laksh. I've got your syllabus also. Laksh. Almost four chapters are done. The rest 5, 6, 7 hai. Aapke wo reh gaye hai chapters. So I'll try to complete. Just send me your date sheet. Date sheet you have already sent. I think it's on 29th of September. You have your exam, hai na? Is it? My bio exam. Ma'am, it's on 6th October. October, okay. But still, there are three chapters we have not done. So, aapka actually wo chapters aa rahe hain which are all deleted ones. So, I'll try to cover up. Don't worry. Okay? Okay. Come in. Haan. Koi baat nahi. Thank you. अच्छा, क्लास इसमें था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. मैम, कैन यू अगेन रिवाइज अ लिटिल बिट फ्रॉम द लास्ट क्लास? ओके, आई विल डू दैट बेटे. मुझे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या था कि द गैसेस आर एक्सचेंज्ड. पहले आता है एल्विलाई, एल्विलाई से आते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से ब्लड लेके जाएगा ब्लड वेसल्स टू टिश्यूज. तो अब जब एल्विलाई में, क्योंकि बाहर जो है एयर में ऑक्सीजन इज मोर एंड CO2 इज लेस इन द इनर साइड ऑफ ब्लड वेसल्स, बिकॉज वी हैव दिस हीमोग्लोबिन विच हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. जो हमारा ब्लड है दैट इज ब्लू ब्लड, जो अंदर है CO2 बहुत ज्यादा है इसलिए वो ब्लू ब्लड थे, RBCs जो ब्लू कलर थे. तो जैसे ही ये एल्विलाई के कंटेक्ट में आते हैं, एल्विलाई हैज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट हैज हाई प्रेशर. हम पढ़ चुके हैं पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एल्विलाई विच लीड्स टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो ऑक्सीजन विल मूव इन साइड द ब्लड वेसल्स. And in exchange of this gas, CO2 will move out because of the difference in air pressure. मैंने आपको शायद values भी बताई थी, एक में 100 है, एक में 40 है. अगर आप बात करो oxygen की, it is 100 in the outer part, it is 40 in the inner part, 40 mm of Hg. This is 100 mm of Hg. Oxygen is, it is passed inside. Because of diffusion movement from high concentration to low concentration, and उसके opposite carbon dioxide में हो रहा है. Carbon dioxide is 46 here and it is 40 here. तो 46 mm of Hg and 40. तो अब आपको पता है फिर से वही exchange on the basis of diffusion. तो carbon dioxide is moved out whereas CO2 is passed inside the blood vessels. अब blood में आपका enriched हो गया है red blood. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में एक HB 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है. नाउ इट इज इनरिच्ड, हियर ऑक्सीजन इज मोर. वेयरएज इन टिश्यूज अगेन CO2 इज मोर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हमने खाना खाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है. इन द टिश्यूज योर कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में है दैट इज अगेन 46. अब यहां जब एक्सचेंज हुई थी 40 हो गई थी, कम हो गई है. नाउ हेयर CO2 इज 40 एंड हेयर इन द टिश्यूज इट इज 46. और जो ऑक्सीजन जो आपकी आ रही तो अगेन नाउ दिस टिश्यूज दे आर एनरिच्ड विद ऑक्सीजन. आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ. जी.
ये टॉपिक में आप फिर से एक बार सुनो. इसमें टॉपिक में बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस दे आर एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में अगर आप देख रहे हो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. और उसी के बेसिस पे अगर बताया है तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा थी, अंदर ऑक्सीजन की कमी थी. यू कैन लुक फ्रॉम द वैल्यूज है 100 mm of Hg in the alveoli and 40 mm of Hg in the blood vessels. This leads to diffusion movement from high concentration to low concentration. Or CO2 हमारे blood में ज़्यादा थी 46, बाहर 40, it is moved out. तो दोनों gases का exchange हुआ, एक blood vessels में अंदर आ रहे हैं, एक blood vessels से बाहर जा रहे हैं. This is what is exchange of gases. अब ये जो blood vessels हैं, ये लेके जाती हैं body में, और बॉडी में ब्लड टिश्यूज हैं. और ब्लड टिश्यूज जो हैं, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्लड वेसल्स और टिश्यूज में एक्सचेंज क्यों होता है? अभी जो 100 आ रही थी mm of Hg, इसकी वैल्यू रहेगी 95 इज योर ऑक्सीजन. और टिश्यूज में ऑक्सीजन है सिर्फ 40, तो ऑटोमेटिकली 95 से 40 में एक्सचेंज हुई. CO2 अंदर भरी हुई है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, हमने खाना खाया, डाइजेशन हुई, तो इसमें CO2 इज मोर, CO2 इज एक्सचेंज्ड. यहाँ 46 थी, यहाँ 40 है, तो अपोजिट आ गया, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो एक तरफ ऑक्सीजन इज पास्ड इन और इन एक्सचेंज ऑफ इट CO2 इज मूव्ड आउट. दिस इज व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये जो CO2 है, O2 है, ये कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, ये टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन, एंड वन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स HbO2 बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे आर पास्ड ऑन. तो एक Hb है which combines with 4O2 to form Hb4O8. एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है. एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ओनली. और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में आप लोगों को बताया था, इट है हीमोग्लोबिन Hb बोलते हैं, इट हैज हीम पार्ट एंड ग्लोबुलिन पार्ट. 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं और एक हीम है Fe. इसी वजह से ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर सकता है. और ये जो फेरस है, इट ऑक्सीडाइजेस टू फेरिक एसिड, दैट इज व्हाई इट इज रेड इन कलर. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड. उसके अलावा जो कुछ बची हुई ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 96% इज ट्रांसपोर्टेड बाय 97. इट इज गिवन इन योर NCERT, 97% of the carbon oxygen is transported via blood in the form of oxyhemoglobin. Rest only 3% is transported in physical solution form. That is, this 3% of oxygen is dissolved in blood. Solution form in plasma. Kyunki pani hai, blood mein plasma hai, water, fluid like substance hai, toh uske saath dissolve hoke jaati hai. तो इसी तरह से दो तरह से लिक्टेट बेटे, तो ये दो फॉर्म से ट्रांसपोर्ट होती है. स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट देन. तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डिसॉल्वड इन प्लाज्मा. तो सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और सबसे पहले लिखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इन फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म. Under normal condition, मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बाद क्या लिखना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें आप लिख रहे हो फर्स्ट पॉइंट इज इन फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म.
only 3% in under normal condition, only 3% of oxygen. Only 3% of oxygen in blood is carried out, is carried in. Ma'am, can you repeat? Okay, only 3% of oxygen under normal condition, only 3% of oxygen in blood is carried in solution form in the plasma. नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओ एक्स वाई एच ए एम ओ जी एल ओ बी आई एन, ओ एक्स वाई एच ए एम ओ जी एल ओ बी आई एन. मैम कैन यू प्लीज रिपीट? ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओ एक्स वाई एच ए एम ओ G-L-O-B-I-N. Ma'am, not the spellings, the last point. Okay, under normal condition, only 3% of oxygen in blood is carried in solution form in plasma. Okay? Okay, thank you, ma'am. Okay, Shmeet. Next up, likh rahe ho oxyhemoglobin. Toh oxyhemoglobin mein likho. Most of the oxygen is transported. Most of the oxygen is transported combined with Hb of RBCs. Most of the oxygen is transported combined with Hb. Hb is what? Hemoglobin of RBCs. Each Hb molecule can combine with each Hb molecule can combine with 4 molecules of oxygen. And you can write down this equation, Hb4 plus 4O2 giving Hb4O8. Hb4 plus 4O2 giving Hb4O8. And this reaction is reversible. Now write down very important topic, that is oxygen dissociation curve. This is screen show karna. Achha, I think I've deleted. Achha, usme reaction thi Hb4 plus 4O2 giving Hb4O8. Ma'am, please repeat the question. It is oxygen dissociation curve. Write down about this. It is a curve that relates the percent oxygen saturation hum ek bar repeat kar do mera net vagaira okay oxygen dissociation curve aap likh rahe ho.
write down the heading oxygen dissociation curve. It is a curve that relates the percent oxygen saturation percent oxygen saturation of Hb to the partial pressure of oxygen. It is a curve that relates percent oxygen saturation of hemoglobin to the partial pressure of oxygen. It shows characteristic sigmoid curve. सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप्ड. ड्रॉ दिस डायग्राम. तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये एस शेप्ड कर्व आता है जिसमें पहले ये टिश्यूज में सैचुरेशन होगी, फिर 100% सैचुरेशन मींस लंग्स फुल है. Machi, if you have done, shall I proceed to the next page? Yes. Yes, ma'am. That word in blue is tissues. Yes, tissues and lungs. Okay. Ma'am, please and I'm coming to this point. देखो अब अगर मैंने बताया कि oxygen combines with Hb. To form oxyhemoglobin. अब अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, सपोज देर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू एंड देर आर जस्ट 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड अभी बताया मैंने एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स तक कंबाइन कर सकती है, तो इसकी कैपेसिटी 50 ने 100 को कंबाइन कर दिया, क्योंकि वो देखो डबल आ रहा है इसके अंदर, तो एक टाइम पे तो हीमोग्लोबिन ने सारी ऑक्सीजन ये यूज हो गई.
that point where all the hemoglobin they are used up for formation of this oxyhemoglobin is known as its saturation level. Saturation hota hai jab bilkul khatam ho chuke hain HP. 100% saturation बहुत rare है. 95% saturation हो सकती है वो भी तब जब oxygen is level is very high. और वो तभी होता है शायद बताया था pressure is very high at sea level. तो अगर आप किसी जंगल में खड़े हो किसी sea shore पे खड़े हो then oxygen level is very high. तब उस केस में saturation may be there 95% not beyond that. That means 95% of hemoglobin they are combined with oxygen. अब जब ये कर्व बन रहा था तो आपने देखा होगा धीरे धीरे ये कंबाइन होने शुरू हुए. सपोज यहाँ पे 2 HB ने कंबाइन किया 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ. फिर उसके बाद कुछ 5 हुए बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आया ये थोड़ा सा शिफ्ट हुए और इस टाइम पे अगर आपने नीचे देखा है तो 50% ऑक्सीजन थी. 40 और 60 के बीच में था अगर आप ग्राफ देखोगे तो 50% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन थी. ऑक्सीजन जो है 50% कंबाइन कर चुकी है और फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन की को कम होनी कमी आनी शुरू हो जाएगी और वो कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा. नहीं तो ये ऊपर जाना चाहिए था. इट शुड हैव बीन लाइक दिस बट नाउ इट इज गोइंग फ्लैट बिकॉज ऑफ द saturation level of HB and that is why this combination of HB with oxygen is dependent on many factors. Factors mein sabse pehle suno kaun sa factor aata hai aur S shape curve hi banega usme ki pehle bahut jaldi se combine ho rahe hain fir ek saturation aayegi jisme wo curve flat ho jayega. Aise curve ko hum sigmoid curve bolte hain. S shape curve it is dependent on various factors. It is dependent on the pressure of oxygen. Obvious hai अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तभी हीमोग्लोबिन ज्यादा कंबाइन कर पाएंगे. इसके रिटर्न में द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर शुड बी लो और टेम्परेचर शुड बी लो. हाई टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं होते एंजाइम्स. अगर CO2 लो है तो एक चीज और लो होगी दैट इज योर H पॉजिटिव आयंस. और ये क्यों अभी हम रीड करेंगे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ेंगे. तो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी सैचुरेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो राइट डाउन इसी कर्व में लिखो इट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज ये चारों लिखो हाई PO2 लो PCO2 लेसर H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन लो टेम्परेचर. फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. मैम ये डिफिकल्ट हो गया. मैं अभी दोबारा रिपीट करती हूँ डोंट वरी. ये टॉपिक बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है लेकिन आप लोग डोंट वरी वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है. डोंट वरी आई विल रिपीट एवरीथिंग डोंट वरी एट ऑल. इवन इफ द टीचर्स आस्क्ड अस टू कंप्लीट द सिलेबस दैट मींस टू कंप्लीट फुल बुक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम डोंट वरी. बस जस्ट लेट मी इन एडवांस. नो रीजन बीइंग के आई हैव टू complete all the chapters before your exams. अगर आपने ये note down कर लिया so I'm repeating everything. हमने simple सा topic अभी start किया था जिसमें हमने पढ़ा transport of gases. Transport of gases में हमने शुरू किया अभी oxygen, transport of oxygen. और oxygen में बताया 3% of oxygen is transported by dissolving in the plasma. 97% जो है दैट इज इन कॉम्बिनेशन विद दैट गोज इन इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड एट वन टाइम वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. और ये जो स्टेप है धीरे धीरे होगा.
अब बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया है कि एक टाइम पे एक एच बी जो है वो कंबाइन करती है 4 O2 के साथ. तो लेट अस से कि एट द इनिशियल स्टेज अभी तो जीरो है, एक हीमोग्लोबिन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था. जब वो 25% पे आया तो उसके पास मे बी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया. 50% पे क्या हुआ, दिस इज योर 50%, उस पे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए. 75% पे क्या हुआ, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 3. तो 100% सैचुरेशन एक की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 100% सैचुरेशन तब हुई जब 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन के. तो सिंपल सी बात, ये मैंने ग्राफिकली बता दिया एस शेप. तो जब कंबाइन हो रहा होता है तो ये इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स अटैच्ड हैं. इमीडिएटली एक एच बी बहुत जल्दी कंबाइन नहीं करता एंड दिस इज कंप्लीट सैचुरेशन एक एच बी. और ऐसे ही बहुत सारे एच बी हैं, बहुत सारे हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में पड़े हुए. ऑन दिस सैचुरेशन इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. मैम यस मैम, मतलब जब 100% सैचुरेशन हो जाते हैं तब हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स आते हैं ऑक्सीजन के. हाँ, ये एक एग्जांपल दिए. ओके, जनरली जनरली इतना हाई लेवल ऑक्सीजन का होता ही नहीं है इवन एट द सी शोर्स. क्योंकि अगर आपको पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्वड इन सी वाटर, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, तब आपको पता चलेगा. लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन हाई PO2, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो PCO2, दैट इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. अगर CO2 लो है तो ऑटोमेटिकली एच आयंस भी लो हैं और टेम्परेचर शुड ऑल्सो भी लो. ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. अब जब वो कंबाइन हो गई तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब क्या है, अब रिवर्स में चले हैं, सॉरी रिवर्स में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप ये पढ़ रहे थे. ऑक्सीजन डिसोसिएशन में उल्टा हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लगी थी वो अब रिलीज होनी शुरू हो गई. व्हेन इट वाज 25% तो एक ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुआ, 50% तो दो ऑक्सीजन रिमूव हुए, फिर 75% तो 3 ऑक्सीजन रिमूव हुए, फिर इसके बाद लास्ट में 4 ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है, रिमूव हो रहा है. ऐसे ही जुड़ते हैं, सैचुरेशन होती है ऐसी डिसोसिएशन होती है. दिस इज व्हाट इज डिसोसिएशन. डिसोसिएट मैम इस कर्व में ये रिमूव हो रहे हैं ना. यस यस इस कर्व में रिमूव हो रहे हैं, बट जब जुड़ते हैं तब भी ऐसे ही प्रोसेस है. ओके, इफ यू लुक एट द ग्राफ देन यू विल सी वी हैव रिटन सैचुरेशन ऑफ HB. ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन. सैचुरेशन तब होती है जब वो जुड़ चुके होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो फुली कंबाइंड है. And this was partial pressure of oxygen. अब आपसे कोई पूछता है what is the oxygen dissociation curve? तो it is a curve. Look at the screen. It is a curve that relates the percent oxygen saturation. ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Percent oxygen saturation of hemoglobin with partial pressure of oxygen. That's it. And it is always sigmoid. This is the definition. I hope it is clear now. And the factors that affect this oxygen dissociation curve are these 4 factors. Okay. Clear, everyone? Yes. Okay. तो इसमें आप अब देखो, ये जो मैंने points लिखवाए that was for the oxygen सैचुरेशन, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन. तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन. तो बिल्कुल अपोजिट लिख लो अब, ये फैक्टर्स जो आपने लिखे थे ये सैचुरेशन के लिए थे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए अपोजिट. अपोजिट में क्या आ जाएगा, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, मोर CO2. मोर एच पॉजिटिव आयंस, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, सारे उल्टे. अब
कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो चुका है, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट इफ दिस टॉपिक इज क्लियर. ओके पलक, इश्मीत, महक, तन्वी, ओके अनुभव, अर्श, एंजेलिना, ओके ओके ऑलमोस्ट एवरीवन, शाबाश. ओके रितिका, लक्ष, ओके मैम दीज आर द फैक्टर्स फॉर ऑक्सीजन डिसोसिएशन. ये तो फैक्टर्स थे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन अपोजिट हो गया ना, ऑक्सीजन जुड़ने वाला सैचुरेशन हो गया, तो ये समझाया था तब मैंने आपको. ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए ऑक्सीजन को अब निकलना है तो अपोजिट हो जाएगा. सीरत क्लियर है जी? यू हैव नॉट रेज योर हैंड. सीरत थोड़ा क्लियर हुआ. ओके आप एक बार रीड करना इसको एनसीईआरटी से, दो पेजेस का ये टॉपिक है तो रीड करना बेटे एक बार. ओके. और डेफिनेशन आपको क्लियर है? डेफिनेशन तो जो ग्राफ बनाया दैट इज द डेफिनेशन. शेप बता दी, सिग्मोइड, फैक्टर्स बता दिए, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है जनरली. नाउ वी आर कमिंग टू द CO2. CO2 इज वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज अगेन इंटरेस्टिंग, रीजन बीइंग वी हैव मोर एफिनिटी फॉर CO2 एज कंपेयर टू O2. अगर हवा में CO2, CO और O2 है, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द बुक कि HB की एफिनिटी इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होगी. डू गो थ्रू दिस चैप्टर, लास्ट थ्री पेजेस में इट इज गिवन कि HB हैज मोर एफिनिटी फॉर O2, CO2 और CO, कार्बन मोनोक्साइड. अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, काफी प्रेविलेंट था ये केस. एक बार कपल जो थे, मैरिड कपल, वो लोग एक रूम वन में थे, तो उन्होंने अपने साथ एक कोयले की अंगीठी, यू नो व्हाट इज अंगीठी, इसमें कोयला जला के रखा अपने पास. और मॉर्निंग में वो उन लोगों की डेथ हुई हुई थी. रीजन किसी को समझ नहीं आया. देर वॉज नो सुसाइड, देर वॉज नो पॉइजन और कोई स्नेक बाइट कुछ भी नहीं था. तो व्हाट वाज द रीजन? कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन, यस, कार्बन मोनोक्साइड. एंड यू वोंट बिलीव इट हैपेंड विद मी आल्सो. आई हैव सीन, एक बार वी वेंट अपहिल, सो वहां पे आई हैव सीन कि वहां पे जैसे वी वर सिटिंग नियर टू बॉनफायर, इट वाज अ क्लोज्ड रूम, और फिर एकदम चक्कर आए इसी रीजन से, बिकॉज़ ये कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं. अगर आपके दिमाग को ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी नहीं जा रहा, तो वो दिमाग जो है इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन 24/7. आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए. दिमाग काम करना बंद करता है एंड दिमाग से आपके सारे ऑर्गन्स रिलेटेड है, धीरे धीरे डेथ होनी शुरू हो जाती है. तो उनके साथ भी यही हुआ, साइलेंट डेथ इसको बोलते हैं. पता भी नहीं चलता, लेट लेट ही नींद के चोक हो जाता है. ब्रेन को पहले नहीं गई, ब्रेन को CO2 कार्बन मोनोक्साइड चला गया. और वो कब हुआ? इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. हमने क्या किया, रूम को बंद कर दिया है, अंदर कोयला बर्न हो रहा है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन. तो अब वो इनसफिशियंट ऑक्सीजन है, इट विल प्रोड्यूस CO. CO जो है उसकी HB के साथ टेंडेंसी ज्यादा है कंबाइन करने की. इट विल इमीडिएटली कंटैक्ट विद फॉर्म कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन. और फिर वो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग कर देता है. दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप क्लोज रूम में हो, और अगर जैसे अपील्स में अगर गए हो, ठंड है, तो वहां पे ऑलमोस्ट वो फायर के लिए रखते हैं प्लेसेस. इट इज बेटर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वेंटिलेशन देयर. तो चाहे थोड़ा सा ही हो या बार बार बीच में ओपन करते रहो डोर्स को, बिकॉज अगर कार्बन मोनोक्साइड हो गई तो वो इनहेल आप करोगे. तो इसीलिए जो लोग स्मोक करते हैं उनसे ज्यादा नुकसान होता है जो पैसिव स्मोकर्स हैं. मतलब अगर आपके घर में, सॉरी टू से, बट अगर आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है, तो आप उसके पास खड़े हो, यू विल बी मोर इफेक्टेड एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज स्मोकिंग. रीजन जो जो पर्सन खुद फैक कर रहा है, उसके पास जो स्पॉन्ज है, जो उसके पास जो एक फिल्टर है जो इनहेल करने के लिए, फिल्टर करके जाती है एयर. लेकिन जो साथ में खड़ा है, तो उसके पास तो डायरेक्ट वो इनहेल कर रहा है, और वो फ्यूम्स तो आपको पता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन वो बहुत जल्दी फैलते हैं. तो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस. तो तभी बोलते हैं कि जब अगर किसी के घर में स्मोकर्स हैं या आसपास कहीं स्मोकिंग है, तो इट इज बेटर टू आस्क दैट पर्सन टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. वैसे तो स्मोकिंग इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, फॉर फैमिली ऑल्सो. तो वील डू दिस टॉपिक इन क्लास टू क्लास. सो अभी तो सिर्फ इतना ही कि इट अफेक्ट्स, इट कॉजेस CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट. इसमें भी सेम आएगा कि पहले जो है फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म,
तो फिजिकल सॉल्यूशन में अबाउट 5-7% ऑफ योर CO2 गेट्स रिजॉल्वड इन प्लाज्मा. ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है एंड इज कैरिड आउट इन सॉल्यूशन फॉर्म इन द लंग्स. दैट्स इट. अब दूसरे तरह से ये तो सिर्फ 5-7% है, अबाउट 70% ऑफ योर CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट. नाउ व्हाट इज बायकार्बोनेट? मैंने आपको बताया था कोल्ड ड्रिंक में पानी के अंदर गैस दी होती है CO2, और कहते हैं कि इसमें एसिड है तो H2CO3, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड ये आप एसिड आपके ब्लड में भी बनता है. तो CO2 जनरली इट कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. और अगर आप लोगों को याद हो हमने एंजाइम्स चैप्टर किया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो किया हुआ है चैप्टर, और मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट हैज मैक्सिमम टर्नओवर नंबर. और मैंने तब भी बताया था कि हम ये डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एन एंजाइम विच हैज मैक्सिमम टर्नओवर नंबर. कितने लाख मॉलिक्यूल्स? अराउंड 6 लाख. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टर्न कर देता है, इसको चेंज कर देता है. दैट मींस इट कैन चेंज वाटर एंड CO2 इनटू कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इनटू H2O एंड CO2. तो आपके पास बायकार्ब पानी के साथ डिसॉल्व आ गई, CO2 सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई. जो बाकी बची हुई है अमाउंट, दैट इज अराउंड 30%. ये 70% थी, ये 5-7 है, तो इसमें 25, आप इमेजिन कर लो 25-30% इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं व्हेन इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. नो, इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. तो 30% या 25-30% ऑफ CO2 कंबाइंस विद द प्रोटीन दैट इज कार्ब अमीनो प्रोटीन इन द RBCs एंड इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. और अब हैरानी की बात देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इस फॉर्म में चल रही है, अब उसने कंबाइन करना है हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड ओनली. नाउ दिस कार्बोनिक एसिड कंबाइंस विद I'll dictate bete. Now this hemoglobin combines with carbonic acid. लेकिन इसमें वॉटर तो चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो चाहिए था CO2. तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे दैट मीन्स H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव. नाउ दिस कंबाइंस विद HB. और HB भी अकेला नहीं घूम रहा है, HB के साथ तो O2 है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो HBO2 सॉरी कंबाइंस विद CO2. CO2 कहां से आई है? कार्बोनिक एसिड से. और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना, H पॉजिटिव आयन ज्यादा बढ़े. अब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन मोर एसिडिक. H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं तो एसिड ज्यादा बन जाता है. दैट मींस CO2 के टाइम पे कंबाइन करने से पहले हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. ब्लड को न्यूट्रल होना पड़ता है. pH ऑफ अवर ब्लड इज 7.4, लेकिन वो 7 से नीचे आ गया. pH इज लोअर देन 7, दैट इज इट इज एसिडिक. That is why the hemoglobin immediately combines with CO2 to form again H positive ions and O2. Now this O2 is absorbed by our tissues. O2 हमारे use हो गई. CO2 hemoglobin ने absorb कर ली, O2 हमारी body ने use कर ली. लेकिन अब आपके पास H positive ions बहुत ज्यादा है. This increases the acidity in the blood, which again combines with the HCO3 negative and forms H2CO3.
अब अगर आपको नहीं समझ आया, बहुत ध्यान से दोबारा से सुनो, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 मैक्सिमम जो है अमाउंट, इट इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, 70%। ओनली 5-6% इज ट्रांसपोर्टेड इन सोल्यूशन फॉर्म बाय डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा। और बाइकार्बोनेट फॉर्म बता दिया आपको, वाटर के साथ CO2 कंबाइन करता है, फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, कभी वाटर और CO2 बन जाता है, कभी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब जो कार्बोनिक एसिड है उसकी वजह से एसिड बढ़ गया, नाम ही है कार्बोनिक एसिड। नाउ इट हैज टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ चल रहा है, तभी आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, बट वो एक्सचेंज भी तो करना है, तो HBN के पास था ऑक्सीजन, CO2 कहां से आया होगा, कार्बोनिक एसिड, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। तो हीमोग्लोबिन ने इमीडिएटली, अब आपको अगर समझ आ रहा है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर भी वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ज्वाइन करवा रहा है, दैट मीन्स इट हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2। बट द मेन फैक्टर विच लीड्स टू द एसोसिएशन ऑफ HBO2, जो फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं HBO2 को तोड़ने में। और HBO2 टूटते ही O2 अलग हो गया और HB के साथ जुड़ गया CO2, दिस इज CO2। अब H पॉजिटिव आयंस तो बड़े हुए, अब इन H पॉजिटिव आयंस के साथ क्या होता है, इट कंबाइंस विद कार्बोनिक एसिड टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। एसिडिटी भी खत्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गया और ऑक्सीजन आ चुका है। अब ठीक है हर्ष, is it fine now harsh my voice? तो अब आप लिखो इसमें, सबसे पहले लिखो, आप लिख रहे हो हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो सबसे पहले लिखो फिजिकल सॉल्यूशन। ओके, फिजिकल सॉल्यूशन लिखो। अबाउट 5-7% ऑफ CO2 About 5-7% of CO2 gets dissolved in plasma. About 5-7% of CO2 gets dissolved in plasma. And is carried in solution form. इसमें कई बार नीट पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम, आपको मैंने अभी बता दिया किसी में 95 mm है, किसी में 40 है, तो अब इसमें अगर इसकी वॉल्यूम पूछी जाए तो ओनली 0.3 milliliter ऑफ CO2 लिखो, ओनली 0.3 ml ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओनली 0.3 ml ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये तो आ गया फिजिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बाइकार्बोनेट आयन। मैम पर 100 ml ऑफ ब्लड। नाउ राइट डाउन बाइकार्बोनेट आयन।
Now write down bicarbonate ion, about 70% of CO2. About 70% of CO2 rapidly diffuses into, about 70% of CO2 rapidly diffuses into About 70% of CO2 rapidly diffuses into RBCs from tissues and combine with water to form carbonic acid. Combine with water to form carbonic acid. Write down the equation that is written on the screen. I'm repeating, Riya, Utkarsh. About 70% of CO2 rapidly diffuses into the RBCs from tissues and combine with water to form carbonic acid. Ma'am, what we have to write after diffuses, please repeat again. Okay, this equation which is given written on the screen, H2O plus CO2 giving H2CO3, or isme arrow ke upar aapne ye likhna hai carbonic anhydrase. No ma'am, after rapidly diffuses into RBCs from the tissues and combines with water to form carbonic acid. Ye equation plus isme enzyme ka naam likho. Next point, लिखो carbo amino hemoglobin. Next point is carbo amino CARB AMINO HAEMO GLOBIN. Carbo amino hemoglobin. एक थर्ड पॉइंट लिखो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन CARB AMINO HAEMO GLOBIN. अबाउट 30% ऑफ CO2 कंबाइंस डायरेक्टली अबाउट 30% ऑफ CO2 कंबाइंस डायरेक्टली विथ प्लाज्मा प्रोटीन्स with plasma proteins forming carbo amino proteins.
हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है CO2 के साथ टू फॉर्म कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन. राइट डाउन दिस इक्वेशन, HbO2 प्लस CO2 गिविंग HbCO2 प्लस H पॉजिटिव प्लस O2. Ma'am, can you please repeat the equation? Which it is written on the screen. Look at your screen, bete. HbO2 plus CO2 gives HbCO2 plus H positive plus O2. It's in equilibrium state. Ye arrow jo hai, this shows that this equation is in equilibrium state. मैम ऑक्सीजन का क्या लिखना है, टिश्यूज में चल जाती है? हाँ ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाएगी. अब इसका रोल लिखो इसी में आगे. लिखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. लिखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विच लिबरेट एच पॉजिटिव आयन. Which liberates H positive ions ये आप देख चुके हो, इसने liberate किया था H positive ion. This is liberated H positive ion. अभी H positive ion के साथ क्या हुआ था, it combines with, it joins with bicarbonate to form carbonic, to form carbonic acid. लिखो oxyhemoglobin is a stronger acid which liberates H positive ions and it joins with bicarbonate ion to form carbonic acid. अब क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो आप लोग देख सकते हो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से ही 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड and this reaction is catalyzed at a very high rate because of the presence of this enzyme only. Got it? I'm repeating, pucha jata hai, what is the role of carbonic anhydrase enzyme in the transport of gases? It is not only CO2. Obviously, agar CO2 hai, to uske opposite kaun sa ja raha hai? Oxygen. So, the answer is, about 70% of CO2 rapidly diffuses from the tissues and it combines with water to form carbonic acid. And this reaction is catalyzed by this enzyme carbonic anhydrase. Actually, में इसके बगैर ये जो reaction है वो possible ही नहीं. And it has maximum turnover number. इसीलिए ये quick process है. तो ये छोटी-छोटी terms थी. आप लोगों ने exchange of gases एक बार read करोगे. फिर आज जो आपने किया है, that is the आपने transport of gases. Last topic रिको. How is respiration regulated? हमारे ब्रेन में है रेस्पिरेटरी सेंटर. अगर किसी को पता है
कि रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. तो उसमें लिखो द रेस्पिरेटरी सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू द रेस्पिरेटरी सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू केमिकल कंपोजिशन इन ब्लड. ब्लड में जो चेंज ओके रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो इसमें आप लिख रहे हो रेस्पिरेटरी सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू केमिकल कॉम्पोजिशन इन ब्लड. रेस्पिरेटरी सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन. मैम मेडुला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा I've written on the screen with it. Medulla oblongata, OB. Highly sensitive to the changes in chemical composition of blood. Blood में थोड़ा सा भी chemical change हुआ तो हमारा respiratory center active हो जाता है. और respiratory center कहाँ located है? It is located in the medulla oblongata of brain. और वो सेंटर का नाम है न्यूमोटेक्सिक. इट इज PNEUMOTAXIC. न्यूमोटेक्सिक सेंटर इन द ब्रेन. Pneumotaxis center transmits signal to the inspiratory area which controls the breathing process. These centers are sensitive to वही चार फैक्टर्स फिर से सेंसिटिव टू चेंजेस इन एच पॉजिटिव आयंस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. इट इज नॉट O2, इट इज CO2 विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग विच आर सेंसिटिव टू एच पॉजिटिव आयंस एंड PCO2. They detect the alteration in they detect the alteration in PCO2 and pass the signal to rhythmic centers. Ma'am, please repeat. Okay. These receptor detects the alteration in PCO2
these receptors detect the alteration in PCO2 and pass the signals to rhythmic centers. I'll repeat all these topics in the next class, and then we are done with this chapter. I hope this chapter is easy for all of you. So I'll try to repeat it in the next class again. And bachche tab tak aap read karoge sari jo topics hain iske. Okay. Any question from anyone's side? Yes.